हाय स्टूडेंट्स, आई एम प्रकाश वढवाना फ्रॉम सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी यंग डेविड एंड गोलायत। सो आई होप यू हैव वॉच्ड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। Still, if you haven't watched the part 1 and part 2, then please watch it, otherwise you will not understand this part. Okay. So let's start. Finally, what happened? So then David agree ho gaya marne ke liye, Raja bhi agree ho gaye. Now David took his bag of smooth round stones and his sling. Ab David ne to kya nikala, उसकी बैग में से स्मूथ और राउंड स्टोन निकाला और उसकी स्लिंग निकाली। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी एंड कॉल्ड द जायंट। राजा की जो आर्मी थी ना, वहाँ पे खड़ा रहा उसके सामने और उस जायंट को बुलाया, गोलायत, ए गोलायत, कहाँ पे है, बाहर आ, मैं मारूंगा तुझे। व्हेन गोलायत हर्ड डेविड, His cruel eyes grew as red as fire. जब गोलायत ने इसकी आवाज़ सुनी डेविड की, तब उसकी जो क्रूअल मतलब हार्टलेस काइंड का ऑपोजिट है, उसकी क्रूअल आंखें फायर के जैसे रेड कलर की हो गई कि ये छोटा सा बच्चा मुझे मारने के लिए आया है, मुझे पुकार रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, दिखाता हूँ उसको। गोलायत एंग्रीली स्पोक, गुस्से से बोला वो, इज़राइल हैज सेंड अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। इज़राइल ने एक लड़के को भेजा है, एक बच्चे को भेजा है मेरे साथ फाइट करने के लिए। आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। मैं उसका गला ही काट दूंगा और उसकी पूरी पूरी बॉडी को किसको खिलाऊंगा, जंगली जानवरों को। आजा तू, आजा मेरे सामने लड़ेगा तू, आजा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, बट डेविड तो डरा ही नहीं। ही प्रेड क्वाइटली एंड देन ही रिप्लाइड, शांति से उसने भगवान को प्रे की, प्रार्थना की और रिप्लाइड किया, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। क्या कहा सामने, कि मैं एक बच्चा हूँ ना, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, बट मैं तुझे मार डालूंगा और तेरी बॉडी में वाइल्ड बीस्ट को खिलाऊंगा। पता है तुझे, तू मेरी बॉडी वाइल्ड बीस्ट को खिलाएगा, हट, मैं तेरी बॉडी खिलाऊंगा, देखते हैं, चल आजा। When Goliath heard these words, he ran towards David to kill him, but David took a stone from his bag and put it in his sling. जब गोलायत ने ये वर्ड्स सुने कि मैं तेरी बॉडी को वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवरों को खिलाऊंगा, ये सुनकर डेविड जो था वो गोलायत डेविड की तरफ भागता हुआ आ रहा है उसको मारने के लिए। बट उस टाइम पे डेविड ने स्टोन निकाला उसकी बैग में से और स्लिंग में पुट किया, भरा दिया। ही वर्ल्ड हिज स्लिंग अबाउट द हेड एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर। वर्ल्ड मतलब टू टर्न अराउंड इन सर्कल, गोल 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 घुमाया उसने अपने हेड के ऊपर और फेंका। कहाँ पे फेंकेगा स्टूडेंट्स वो स्टोन को, जायंट के दो आंखों के बीच में। हाँ देखो यहाँ पे वो गोल गोल घुमा रहा है ना, और वो जायंट देखो कितना बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट उसने तो गोल गोल घुमाया स्लिंग और एयर में उसको फ्लू किया। इट हिट बिटवीन द आईज ऑफ गोलायत एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड विद अ लाउड क्राई। तुरंत ही उसकी दो आंखों के बीच में वो स्टोन जाके लगा और जैसे ही लगा वो तुरंत ही जमीन पे गिर गया, रोता हुआ, पेन के मारे चिल्लाता हुआ। और फिर डेविड उसकी तरफ भागा और जायंट
सॉरी डेविड रैन एंड टुक द जायंट स्वॉर्ड एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। हाँ देखा, फिर डेविड जैसे ही वो ज़मीन पे गिर गया ना, डेविड उसकी तरफ भागा और उसकी ही तलवार से, स्वॉर्ड मीन्स तलवार से, जो जायंट है ना फिलिस्टाइन्स, उसका गला काट दिया। और डेविड ने क्या किया, डेविड ब्रॉट द जायंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट। उसका सिर लेके, उसका हेड लेके उसने इज़राइल के राजा के कदमों में आके रख दिया। ये लो, आप लोग हंस रहे थे ना, देखो मैंने उसका गला काट के आपके चरणों में रख दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड बिकॉज डेविड सेव्ड इज़राइल। राजा तो खुश हो गए क्योंकि उसने किसको बचा लिया था, इज़राइल को बचा लिया था। नाउ डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकम द किंग ऑफ इज़राइल। नाउ जैसे राजा ने बताया था ना कि उनकी बेटी का, सॉरी उनकी बेटी की शादी उसके साथ करवाएंगे जो ये जायंट फिलिस्टाइन्स को मार डालेगा, तो उन्होंने वही किया, उनका प्रॉमिस जो था वो उन्होंने निभाया, डेविड की शादी करवा दी प्रिंसेस के साथ और उसको इज़राइल का राजा भी बना दिया। ओके, नाउ मैं आप लोगों को थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ जिसको देख के आपको मज़ा आएगी। ये देखो, हंस रहा है, मुझे मारेगा तू, देखो सब हंस रहा है ना। और गोलायत देखो, उसके हाथ में स्लिंग दिख रहे हो, ये रही। और ये स्वॉर्ड भी देख लो आप, फिलिस्टाइन की स्वॉर्ड तलवार, देखो ये फोटोग्राफ्स जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना वो ही है। देखो स्लिंग गोल गोल घुमा रहा है और जो स्टोन है ना वो हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ जा रहा है। ये देखो कितना बड़ा है वो, और ये देखो कितना छोटा बच्चा है। जैसे ही उसको लगी, देखो दो आंखों के बीच में लाल कलर का दिख रहा है आपको, जैसे ही उसको लगी वो तुरंत ही नीचे गिर गया। और देखो तुरंत ही उसकी तरफ भागा और उसकी ही स्वॉर्ड लेकर उसका गला काट रहा है। देखो ये रहा गला काट के उसने हाथ में पकड़ दिया। ये देखो गला काट दिया उसका। ये देखो उसका स्लिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखो देख रहे हो ना, और उसका गला भी काट दिया उसने। तो ये एक इज़राइल की कहानी थी स्टूडेंट्स, एपिक स्टोरी है, जैसे हमारी रामायण महाभारत है ना वैसे। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो यहाँ पे पार्ट 3 हम ख़त्म करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताएं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। स्टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन गो थ्रू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो हियर वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।